हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम साइक्लॉइड बनाना सीखेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं साइक्लॉइड होता क्या है। तो साइक्लॉइड जो होता है, ये कर्व जनरेट होता है एक पॉइंट से, और ये पॉइंट कहाँ पे होता है, किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होता है। और ये कब जनरेट होता है, जब कोई सर्कल किसी स्ट्रेट लाइन पे रोल हो जाए बिना स्लिप हुए। जैसे मान लीजिए सर्कल, इसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, उससे जनरेट होगा कब, जब ये सर्कल आगे की तरफ रोल होगा। कैसे होगा देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइड, डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल इज 50 mm, है ना। जिस सर्कल के ऊपर पॉइंट है उसको हम जनरेटिंग सर्कल बोलते हैं। तो हमें एक साइक्लॉइड बनाना है। क्वेश्चन में हमेशा डायमीटर दिया होगा 50 mm का, तो हम सबसे पहले 50 mm डाया का एक सर्कल बनाते हैं। मैंने पहले ही बना लिया, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों को बनाना आता होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लीजिए। अब इस सर्कल को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर खींचा, वर्टिकल खींचेंगे। ये 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल डिवाइड कर दिया। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। 12 इक्वल पार्ट्स में भी किया जाता है, पर हम 8 में करेंगे, समय बचेगा, आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो इसके हर क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर क्वाड्रेंट में 45 डिग्री की लाइंस बनाता हूँ। कैसे, देखिए, अपने डी के सेंटर को सर्कल के सेंटर पर सेट करेंगे, एंगल मार्क करेंगे 45 डिग्री, इस तरफ भी एंगल मार्क करेंगे 45 डिग्री। 360 डिवाइड बाय 8 करो तो आंसर आता है 45 डिग्री। थोड़ा 360 डिग्री एंगल है, इसको 8 से डिवाइड करूँगा, 360 डिवाइड बाय 8 तो एंगल आता है 45 डिग्री। इस तरीके से मेरा सर्कल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस लाइन को पीछे तक एक्सटेंड कर लीजिए, इस तरीके से इस लाइन को भी पीछे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नेमिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको पी पॉइंट भी दिया है ना। यहीं से मैं एक टेंजेंट खींचने वाला हूँ, पी या सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। आर इस क्वेश्चन में 50 का आधा 2.5 सेंटीमीटर है ना, यानी 25 mm। 2 पाई इंटू 25 mm या 2.5 करूँगा तो 15.7 सेंटीमीटर। यहाँ से 15.7 सेंटीमीटर का टेंजेंट खींचेंगे। इस पी ए टेंजेंट को भी हम उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जितने में हम सर्कल को कर रहे हैं। कभी 12 में करेंगे तो इसको भी 12 में, अभी 8 में कराए तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक लाइन खींचेंगे कितनी भी लेंथ की, किसी भी एंगल पे पी ए से, और इस पर 8 इक्वल डिविजन्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 1 1 सेंटीमीटर के इक्वी डिस्टेंस लिया, आप 2 भी ले सकते हैं। अब जो मेरा लास्ट वाला डिवीजन है उसको मैं ए से मिला दूंगा। ये मेथड मैं कई बार स्केल में सिखा चुका हूँ, और इस तरीके से पीछे पीछे पैरेलल लाइंस खींचते रहेंगे तो ये हमारा जो पी ए, ये डिवाइड हो जाएगा 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। हर लाइन, हर डिवीजन से जो लाइन निकलेगी वो पिछली लाइन से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस तरीके से इस टेंजेंट को, पी ए टेंजेंट को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे डिवीजन को नाम दिया 1-2-3-4-5-6-7-8। सर्कल के सेंटर से एक लाइन खींचेंगे कितनी भी बड़ी, एटलीस्ट पी ए से बराबर, और जो ए पी पे हमने पॉइंट बनाया 1-2, ये इनको हम सभी पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे जो सी से हमने लाइन खींची उसके ऊपर, ठीक है। वन डैश से जो पॉइंट ऊपर आया C1, 2 डैश से जो आया C2, C3, C4, C5, C6, C7 और ये लास्ट में C8। इसके बाद हमें क्या करना है, टेंजेंट से पैरेलल लाइन खींचना है, सारे पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे, जैसे 1 है, 1 से जो लाइन खींचूंगा वो 7 से होती हुई जाएगी, फिर 2 से तो जो लाइन खींच रहा हूँ वो 6 से पास हो रही है, सेंटर से ऑलरेडी बन चुकी है, फिर 3 और 5 से एक लाइन खींचेंगे कितनी भी बड़ी, इसी तरीके से 4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे कितनी भी बड़ी। सर्कमफेरेंस पे जितने पॉइंट होंगे सब से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए पी टेंजेंट के पैरेलल। अब आपके राउंडर पे रेडियस होगी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस सर्कल की रेडियस के बराबर राउंडर पे होना चाहिए। इस केस में 2.5, सेंटर होगा C1, C1 पे राउंडर रखेंगे, और ये जो 1 से लाइन आ रहा है इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से C2 पे राउंडर रखेंगे, ये जो 2 से लाइन आ रहा है इस पे आर्क काटेंगे, C3 पे रखेंगे, 3 से जो लाइन आ रहा है इस पे आर्क लगाएंगे, C4 पे रखेंगे, C4 से जो लाइन आ रहा है इस पे आर्क इंटरसेक्ट नहीं होगा, सिर्फ टेंजेंट होगा, ये याद रखिएगा, है ना। फिर C5 पे रखेंगे, यहाँ से आर्क इस तरफ काटना है राइट साइड में,
तो फाइव से जो लाइन आ रही है ये वाली, इस पे आर्क लगाएंगे। सी सिक्स पर रखेंगे, सी सिक्स से ये वाली खुद ही लाइन आ रही जो सेंटर वाली, तो ये सी सिक्स पर आर्क कर दिया। इसी तरीके से सी सेवन पर रखेंगे, सी सेवन के लिए आर्क बनाता हूँ, लाइन को भी एक्सटेंड करना है, सेवन वाली लाइन ये आ रही है यहाँ से पीछे से, है ना। और इस तरीके से आखिरी में सी एट पर रखेंगे और एट वाला आर्क जो है यहीं पर ए पे कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वन वाली लाइन पे जो आर्क कटा था पी वन, टू पे जो कटा पी टू, थ्री से जो कटा पी थ्री, फोर पे जो कटा पी फोर, सर्कल कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। ये पी फाइव, ये पी सिक्स, पी सेवन, पी एट, इनको ज्वाइन। अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट नॉर्मल खींचना है। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया एन, ठीक है। तो एन पर राउंडर रखेंगे, राउंडर पर रेडियस होगी सर्कल की रेडियस के बराबर, जो इस केस में 2.5 सेंटीमीटर है। राउंडर पर रेडियस करते हैं सर्कल की रेडियस के बराबर 2.5, राउंडर को रखेंगे हम जिस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल बनाना उस पॉइंट पर रखेंगे, और सेंटर से जो लाइन आ रही होगी हमेशा उसी को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ राउंडर रख के पॉइंट मिला एल, एल से एक वर्टिकल नीचे ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पे, पी ए टेंजेंट पे। ये एन से राउंडर रख के एल पॉइंट बनाया, एल से एक वर्टिकल डाली नीचे वाली टेंजेंट पी ए पे, और ये पॉइंट आया एम, एम को आप ज्वाइन कर दीजिए एन से, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा उस पॉइंट पे जिस पे आपको टेंजेंट नॉर्मल खींचनी है। ये आपका नॉर्मल हो गया एम, एम डैश। यहाँ पर आप अपना डी सेट करिए और इससे 90 डिग्री पर लाइन खींचे, आपको टेंजेंट मिल जाएगा। तो उस एन पॉइंट पे मैंने अपना डी सेट करा, एंगल सेट किया 90 डिग्री, और इस एंगल से मैंने जो है एक लाइन खींच देनी एन से होती हुई, जो कि किसका काम करने वाली है, ये टेंजेंट का। इसको नाम दे दिया टी, टी डैश। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें।